दोस्तों, वैसे तो बिहार का पहला एलिवेटेड रोड पटना एम से लेकर दीघा के बीच करीब 12 किलोमीटर लंबा बनकर तैयार हो चुका है और उस पर फर्राटा गाड़ियां दौड़ रही हैं। इस एलिवेटेड रोड के बन जाने के बाद उत्तर बिहार के लोगों को सीधा जेपी सेतु के सहारे एम्स जाने का मौका मिलता है और इससे पटना शहर पर ट्रैफिक का दबाव बहुत ही कम पड़ता है। लेकिन पटना को तीन और एलिवेटेड रोड का सौगात मिलने वाला है, जिसके बाद पटना की ट्रैफिक और भी मक्खन की तरह दौड़ने लगेगी। तो चलिए जानते हैं यह एलिवेटेड रोड कौन कौन सी है। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन और आप देख रहे हैं पटना न्यूज। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के पटना में बन रहे कारगिल चौक से लेकर एनआईटी मोड़ के बीच एलिवेटेड रोड के बारे में। दोस्तों, पटना के कारगिल चौक से पीएमसीएच होते हुए एनआईटी मोड़ तक 300 करोड़ की लागत से बनने वाले एलिवेटेड रोड की मंजूरी मिल चुकी है और अशोक राजपथ पर गाड़ियों की भारी दबाव और पीएमसीएच जाने में होने वाले परेशानी से निजात दिलाने के लिए पथ निर्माण विभाग ने यह निर्माण करने का फैसला लिया है। आपको बता दूं कि अशोक राजपथ में अनेक संस्थान होने की वजह से जाम की समस्या का लोगों को सामना करना पड़ता है। वहीं इसके लिए करीब 2 किलोमीटर लंबा और इसकी चौड़ाई 4 लेन की होगी। इस एलिवेटेड रोड का निर्माण के लिए करीब करीब तैयारी पूरी कर ली गई है। इस एलिवेटेड रोड के बन जाने के बाद पूर्वी पटना के लोगों को और भी राहत मिलेगी। इस रोड प्रोजेक्ट का एक सिरा पीएमसीएच के पुराने गेट के सामने पीएमसीएच परिसर में उतरेगा, ताकि पीएमसीएच आने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिल सके, जिससे इमरजेंसी मरीज को पीएमसीएच पहुंचने में आसानी होगी। वहीं आपको बता दूं कि इसका टेंडर भी हो चुका है और इसका काम जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं पटना में बनने वाले दूसरे एलिवेटेड रोड के। दोस्तों, ग्रेटर पटना के यातायात व्यवस्था में मील का पत्थर साबित होने वाला है दानापुर से लेकर वीटा के बीच बनने वाले एलिवेटेड रोड या एक्सप्रेसवे से। मतलब साफ है कि दानापुर से वीटा के बीच अब जल्दी एलिवेटेड रोड का निर्माण शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं कि बीटा से एयरपोर्ट से सीधे और तेजी से कनेक्टिविटी को देखते हुए इस एलिवेटेड रोड को खास तौर पर बनाया जा रहा है, ताकि बीटा एयरपोर्ट से सीधी कनेक्टिविटी पटना को मिल सके। वहीं इसका प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट पर कुल 2245 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसे पूरे 3 सालों में बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं पटना में बनने वाले अगले एलिवेटेड रोड के बारे में, जो कि मीठापुर से राम गोविंद सिंह महोली हॉल्ट तक बनाई जाएगी। दोस्तों, मीठापुर से राम गोविंद सिंह महोली हॉल्ट तक 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण जल्द ही शुरू किया जाएगा। इस निर्माण के लिए मिट्टी जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निर्माण करने वाली कंपनी के इंजीनियर निर्माण स्थल वाले जगहों पर मिट्टी जांच कर रही है। मीठापुर से महोली के बीच करीब करीब 8.86 किलोमीटर 4 लेन एलिवेटेड रोड का निर्माण का लक्ष्य 2023 तक रखा गया है। वहीं इस एलिवेटेड रोड के बनने का काम इफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिया गया है। वहीं इस पर करीब करीब 668.79 करोड़ की लागत आने वाली है। हालांकि अब देखना होगा कि इन तीनों एलिवेटेड रोड का निर्माण कब तक पूरा हो जाता है। दोस्तों, आपको इन तीनों एलिवेटेड रोड के बारे में क्या ख्याल है और आप इन तीनों एलिवेटेड रोड के बारे में क्या सोचते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अर्जुन को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।